नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हर देश अपनी अपनी गाड़ियाँ अलग की होती है। मतलब आप देखोगे कभी भी इंडिया की गाड़ी चाइनीज़ गाड़ियों से तक बहुत ज़्यादा वैरी कर जाती है। मतलब आप देखोगे इंडिया की गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। ऐसे ही आप यूएस की गाड़ियों से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वैरी करती है। मतलब यहाँ की गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में फिर भी काफ़ी सारी दिख जाएंगी, लेकिन यूएस में बहुत अलग होती हैं, ऐसी यूरोप में बहुत अलग होती हैं, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग होंगी गाड़ियाँ। हाँ, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है एक आध गाड़ी सिमिलर मिल जाए। जैसे कि मैंने क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है वो जर्मनी में है, तो एक बार उसने क्या कहते हैं फोटो डाली थी, तो उसमें मेरे को सेंट्रो दिख गई। मेरे को वैसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सेंट्रो दिख सकती है, लेकिन सेंट्रो दिख गई तो आई वॉज सरप्राइज कि चलो ठीक है, कुछ गाड़ियाँ हैं ऐसी जो वहाँ पे भी होती हैं इंडियन गाड़ी ऐसी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम गाड़ियाँ बहुत अलग रहती हैं, मतलब सेम नहीं होती। जैसे मान लो सुजुकी है, वो सेम गाड़ी यहाँ बना रही है, वहीं वहाँ पे बेच दे, क्या दिक्कत है उसे। लेकिन ऐसा है, जो मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ की गाड़ियाँ और बाहर की गाड़ियों में फ़र्क होता है, मतलब किसी भी देश की गाड़ियों में फ़र्क इन 4 रीजन्स की वजह से होता है। सबसे पहला रीज़न है रेगुलेशंस। अब जैसे जो भी गाड़ी मार्केट में निकलती है तो वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, रेगुलेशन अथॉरिटी, जैसे यहाँ पे ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम पूरा, लेकिन ARAI जो पुणे में है या फिर एक दो जगह उसके सेंटर और है, तो वो पास करती है गाड़ियों को। अगर वो पास करती है तो वही गाड़ियाँ मार्केट में लाने दी जाती हैं, वरना नहीं दी जाती। सारी गाड़ियाँ पहले वहाँ जाएंगी, पास होंगी तब आएंगी। तो मैं खुद एक कुछ टाइम ARAI गया, तो ह्यूंडई कोना जो थी मैंने पहले ARAI में देखी थी, जब वो टेस्टिंग हो रही थी उसके बाद वो रिलीज हुई। तो मतलब वैसे मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था कि मैं पहले देख चुका हूँ इस गाड़ी को। लेकिन फिर भी तो जो भी गाड़ियाँ होती हैं पहले एक रेगुलेटरी अथॉरिटी पे जाती हैं, वो अप्रूव करता है गाड़ी को, तभी वो गाड़ी रोड पे आती है। सेफ्टी फीचर्स और कई सारे फीचर्स होते हैं वो जो देखते हैं। अब हर रेगुलेटरी, अब मतलब इंडिया की जो अथॉरिटी है वो देखेगी इंडिया में कैसी रहेगी ये गाड़ी, चल सकती है, लोगों को पसंद आएगी, लोगों के लिए अच्छी होगी, सेफ होगी कि नहीं होगी। ऐसी यूएस की जो अथॉरिटी होगी वो देखेगी यूएस के लिए उनकी गाड़ियाँ कैसी रहेंगी, यूएस के लिए उनकी गाड़ियाँ इतनी सेफ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, या फिर जो भी है सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद उसे अप्रूव करेंगे। तो ये बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग उनको गाड़ी बनानी होती है, जो कि उस अथॉरिटी के पास हो जाए वो। दूसरा जो मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉस्ट। अब जैसे कॉस्ट होती है ना, यहाँ की अलग कॉस्ट है, यहाँ के लोग अलग कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जर्मनी है, यूरोप है, वो मतलब बहुत अमीर लोगों का जगह है, तो वहाँ पे ज़्यादा लग्जूरियस गाड़ियाँ चलेंगी, BMW वगैरह वहाँ से ईजाद हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कर सकते हैं इतनी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड। यहाँ पे चलती है मारुति की गाड़ियाँ, क्योंकि लोग कम अफोर्ड कर सकते हैं, लोगों की इनकम कम है, लोग थोड़े से मतलब पैसे कम खर्च करते हैं इन चीज़ों पर, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ आती है वहाँ पे महंगी। तो यहाँ पे क्वालिटी अलग रखनी होती है कंपनी को। अब मान लो कि ह्यूंडई है, वो यहाँ के लिए गाड़ी अलग बनाएगी जो कि सस्ते माल में बन जाए, सस्ते मटेरियल में बन जाए, लेकिन वहाँ के लिए अच्छी गाड़ी बनाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ खरीद भी सकते हैं, तो इसलिए वहाँ की गाड़ियाँ अलग होंगी, यहाँ की गाड़ियाँ अलग होंगी। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे, जब भी आप गाड़ी की बात करते हैं। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने देखा है यूजुअली आप जापान चाइना में देखो, पता नहीं इतने बड़े बड़े स्कूटर लेके चलते हैं, वो पूरी प्लास्टिक के होते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं, मैं फोटो लगा दूंगा उनकी। तो इतने बड़े बड़े स्कूटर्स बिल्कुल प्लास्टिक के, जान बिल्कुल नहीं होती। जैसे हमारे पहले कुछ आए थे स्कूटर्स, तो हम कोई लेता ही नहीं था उन स्कूटर्स को यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है यहाँ पे इतने बड़े स्कूटर्स। लोगों को चाहिए कि ठीक है सिंपल सोबर सा दिखता हो वैसा हमें चाहिए, जैसे एक्टिवा इतनी चलती है, आई डोंट नो, ये सब इतने चले थे, एक्टिवा एक्सेस वगैरह इतने सारे चले थे। बट वहां पे जाके देखोगे तो बड़े बड़े प्लास्टिक प्लास्टिक इतनी बड़ी, तो सबकी पसंद अपनी अपनी है। वहां के लोगों को ऐसा पसंद है, यहाँ के लोगों को ऐसा पसंद है, इस वजह से वहां के लोग के लिए वैसी बनती है और यहाँ के लोगों के लिए वैसी। कस्टमर डिमांड एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। अब जैसे इंडिया है, इंडिया की सड़कें कई बार बहुत पतली होती हैं, बम्पर्स वो जो आपके वो देखोगे क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और मतलब जैसे अब कोई बहुत लो फ्लोर, बहुत ज़्यादा नीचा, कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी होती है, लंबोर्गिनी हो गई, ये सब हो गई, तो ये तो स्पीड ब्रेकर पे उठ जाएंगी, वहाँ पे तो चलेंगी नहीं, तो इसलिए वहाँ के हिसाब से अलग, यहाँ के हिसाब से अलग। अब ज़्यादा बड़ी गाड़ी बना देंगे यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे लिमोजिन वगैरह कहाँ इतनी चलती है भाई, लोगों के पास गाड़ी गाड़ी मोड़ने की, मतलब सिडैन गाड़ी नहीं मोड़ पाते, होंडा सिटी नहीं मुड़ती कई गाड़ियों में, कई गलियों में, तो वो कैसे मुड़ जाएंगी। तो इसलिए सोचा जाता है कि इधर की कंडीशंस कैसी हैं, उस कंडीशन के हिसाब से गाड़ी बनाई जाए, जैसे कि ज़्यादातर लोग ले पाएँ उसे, लें ज़्यादा, लोगों को पसंद आए, और अगर ले लेते हैं तो चला भी पाएँ, उनको दिक्कतें ना हो। तो बहुत सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रखा जाता है और तब सोचा जाता है कि क्या है और क्या नहीं। जो 5th पॉइंट है मेरा वो एक्स्ट्रा ही मानो आप ऐसा, इसलिए क्योंकि यूजुअली ये तो बहुत बेसिक पॉइंट हो गया कि जो रेगुलेट, जैसे मान लो कि कहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कहीं राइट हैंड ड्राइव है,
जो राइट हैंड ड्राइव है उसको फिर जो स्टीयरिंग है उस तरफ रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से स्टीयरिंग रखना पड़ता है, तो वो तो ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा उन्हें। बट ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से गाड़ियाँ अलग होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस रीज़न से यहाँ की गाड़ियाँ अलग और वहाँ की गाड़ियाँ अलग होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों शेयर जरूर करना, मेरे चैनल पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो भी जाके आप देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वो भी कंटेंट पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। यूँ ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।